दोस्तों आए दिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जी हाँ, मानो कि अचानक यहाँ जादू हो गया हो। और आज के हमारे इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ पॉइंट हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आप इस आर्ट को समझना चाहते हैं तो आपको इसे स्पेसिफिक एंगल से ही देखना होगा। साथ ही इन्हें सिर्फ पॉइंट से ही नहीं किया जाता, जैसे कि आप लटकते हुए गोल्डन बोर्ड से एक खिलाड़ी का फिगर भी बना सकते हैं। और अब आप देखिए इसे भी, जहां नंबर ऑफ 24 बनाया गया है। इसे बास्केटबॉल कोबी ब्रांड की याद में बनाया गया है, जो कि हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और ये सारी उन्हीं की तस्वीरें हैं। दोस्तों आप सबके लिए एक सवाल है, और से देखिएगा। अब अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मुश्किल था। जिस जीनियस ने इसको बनाया उसने बोला कि उसकी रिफ्लेक्शन भी पेंट की थी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, कुछ ही देर में आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। शुरू में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ और मुंह पर पेंट कर रही है, लेकिन जैसे ही वो ब्राउन स्पॉट पेंट करती है तो ये किसी जिराफ की तरह लगने लगती है। आखिर में ये लड़की अपने चेहरे पर भी यही पैटर्न बनाती है, और ऐसा इल्यूजन तैयार हो जाता है जो कि आपकी नींद हराम कर देगा। क्या आप किसी कमर्शियल को बार बार देखना पसंद करते हैं? सच कहें तो शायद ही ऐसा कोई करता होगा, लेकिन होंडा ने ऐसा कमर्शियल बना लिया है जिसमें इतने सारे ऑप्टिकल इल्यूजन हैं कि आप इसे लगातार बार बार देखते रहने पर भी समझ नहीं पाएंगे कि यह आखिर काम कैसे करता है। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है? ये तो एक साधारण सी कुर्सी है, लेकिन फिर एक व्यक्ति वहां पर आता है और अब ये कुर्सी उतनी साधारण नहीं लगती। बिनोइट कोनवर्स नामक एक फ्रेंच आर्टिस्ट ऐसे सामान्य इल्यूजन बनाते हैं। लगता है कि वो इंसानी दिमाग को कंफ्यूज करना अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे कि आप कंफ्यूज हुए ऐसे देखकर? आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर हम किसी नुकीली चीज से इस बलून में छेद करेंगे तो ये तुरंत फट जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसे 3D ग्रेडी प्रोफेशनल ने बनाया है। और अब एक बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन को देखिए, इसे कैसे बनाया गया होगा। सब कुछ बेहद सिंपल दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन खूबसूरत स्कल्पचर्स को स्टील प्लेट को जोड़कर बनाया गया है। दोस्तों जब आप इन्हें अलग अलग एंगल से देखेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जब भी आप अपनी जगह बदलेंगे तो इन स्कल्पचर्स का नया चेहरा देख पाएंगे। क्या आपको भी ये तरबूज खाना है? लेकिन इस बार भी आपके हाथ नहीं आने वाला, ये सब बस नजरों का धोखा है दोस्तों। अब अगर आप एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन बनाना चाहते हैं तो आपको जापान के कोचुगी सुगिहारा की तरह आपको एक मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। उन्होंने ये कुर्सी बनाई है। असल में ये कुर्सी भी नहीं, बल्कि ये एक तरह का एलियन फर्नीचर लगता है। और उसके इस निर्माण के बारे में अब आप क्या कहेंगे? जो आईने में कुछ और दिखता है तो असल में कुछ और। ये क्या किसी घड़ी की बोरिंग कमर्शियल है? बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है दोस्तों। दरअसल ये कई लेयर में बनाया गया एक जाइगेटिक इंस्टॉलेशन है जो साइड से बिल्कुल अलग दिखता है। इसके हर हिस्से को सीलिंग पर लटकाया गया है और इस तरह से लाजवाब आर्ट को बनाया गया है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कला है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। जॉन मार्टिन नामक एक आर्टिस्ट साइंस की मदद से कुछ बेहतरीन स्कल्पचर बनाता है। जैसे इस चीज में बिटलस के चारों मेंबर्स की पोर्ट्रेट है, और हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ऐसे मास्टरपीसेस बनाने के लिए कितने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे। वैसे इस बेहतरीन स्कल्पचर के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। दोस्तों यहाँ सॉस कैन से निकलने वाली आग, और ये देखिए इस कंक्रीट मिक्सचर में क्या डाला जा रहा है। साथ ही साथ शैंपेन बोतल से निकलने वाली पार्टी पोर के बारे में आप क्या कहेंगे?
दोस्तों आप भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन बना सकते हैं, बस आपको कुछ सिंपल आइडियाज को अपनाना है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करना है, साथ ही एक केन खरीदना है और दोस्तों को थोड़ा दूर जाने के लिए कहकर इस तरह से टिकटॉक की वायरल वीडियो तैयार कर लेनी है। क्या ये चीज अंदर की तरफ धस गई है? जी नहीं, आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग को चकमा दे सकता है, लेकिन इस चीज को समझने के बाद भी आप इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वैसे क्या आप भी कंफ्यूज हुए थे? इसे देख करके बताइए हमें अपनी राय। कमेंट सेक्शन में आकर अब हैं आपके सामने 20 चमकते हुए ज्योमेट्री शेप। क्या आपको इनमें कोई लॉजिक नजर आ रहा है? जी हाँ, हमें भी यही लगा कि रैंडम है, लेकिन जब आप इसे किसी खास एंगल से देखेंगे तो ये सिर्फ एक शब्द में बदल जाते हैं, जैसे कि लाइट। लेकिन ये बात वहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ डार्क शब्द भी नजर आएगा। कारपेट पर करतब करते हुए देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। जाहिर है कि इनकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। नहीं दोस्तों, इस बार आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ सचमुच एक भालू सीलिंग पर चल रहा है। लेकिन ये एक अट्रैक्टिव सीलिंग है जिसे चाइना के वुहान शहर में लगाया गया है। यहाँ जंगली जानवर, कुछ बड़े शिकारी और पानी के जीव आप देख सकते हैं। डरिए नहीं, ये आपके सिर पर नहीं गिरेगा। वैसे क्या आपने आज से पहले इस तरह के नजारे कभी देखे थे? अगर हाँ तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। अब दोस्तों, ये तो ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ है, ये बॉल ऊपर की तरफ कैसे जा सकती है? इसका जवाब काफी आसान है, ये कोई शो ऑफ नहीं है बल्कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। कुछ लोग इसे देखकर नल्टो के डीडीआर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसे इल्यूजन के पीछे बेहतरीन मेकअप का हाथ होता है। ऐसे आप एक आंख भी बना सकते हैं। क्या ये चीज सचमुच 3D है? जी नहीं, ये भी एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन है। दोस्तों ये डिस्क पूरी तरह से फ्लैट है, लेकिन जब इसे घुमाते हैं ना तो ये बिल्कुल 3D ज्योमेट्री फ्रीडम तैयार हो जाता है। अब ऐसे कैसे समझाओगे? दरअसल इस सीढ़ी पर एक आईना लगाया गया है जिसकी वजह से सीढ़ियां दोगुनी लंबी नजर आ रही हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको ये इल्यूजन पसंद आया? लगता है कि आपको ये देखकर लग रहा होगा आप जहां भी जाओगे ये आपकी ओर देखता रहेगा। मिलिए गार्डनर ड्रैगन से दुनिया का सबसे मशहूर ऑप्टिकल इल्यूजन। वैसे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसके कई कटआउट मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इसके इंटरेक्शन के अनुसार इसे फोल्ड करके काटना है, और अगर आप इसे रोशनी के आगे रखेंगे तो ये और भी असली की तरह नजर आएगा। क्या ये कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया कोई 3D स्पेस मॉडल है? जी नहीं, दरअसल ये एक सामान्य होटल के हॉलवे हैं। शायद ये होटल उन लोगों के लिए है जो कि ड्रिंक नहीं करते। और जब आप इन लोगों को, हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे किया गया, लेकिन हम यहाँ कुछ भूल रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, ये दोनों पिक्चर को जोड़ने वाली लाइन है। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस भी इंसान ने ये फोटो बनाया है वो कुछ बेहतरीन वीडियोस भी बनाता है। इस कार को देखिए जो कि फ्रेम से निकलकर पटाखे में बदल जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कॉमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।